हेलो एंड वेलकम टुडे वी आर डिस्कसिंग एमपी हिस्ट्री क्विज एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आवर फर्स्ट क्वेश्चन विच रूलर ऑफ विच रूलर ऑफ सिंधिया डायनेस्टी शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम उज्जैन टू ग्वालियर ऑप्शन महोजदी सिंधिया जयाजी राव सिंधिया जानकोजी राव सिंधिया एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ दौलत राव सिंधिया इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी दौलत दौलत राव सिंधिया इन्होंने कैपिटल शिफ्ट की थी 1810 में नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच डिस्ट्रिक्ट द टॉम ऑफ पेशवा ये पेशवा है ये आए ए आएगा यहाँ बाजीराव इज़ लोकेटेड ऑप्शन ए होशंगाबाद मंदसौर ऑप्शन सी खरगोन एंड ऑप्शन डी झाबुआ इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी खरगोन नेक्स्ट क्वेश्चन हु बिल्ड द एंशन मोती महल ऑफ भोपाल ऑप्शन दोस्त मोहम्मद खान सिकंदर जहान बेगम इफ्तीकर खान अली एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ कुदसिया बेगम इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है भोपाल की मोती महल ये बनाई थी कुदसिया बेगम ने भोपाल में एक मोती मस्जिद भी है जिसको बनवाई थी सिकंदर जहान बेगम ने दोनों में कंफ्यूज ना हो मोती महल बनाई थी क़ुदसिया बेगम ने और मोती मस्जिद बनाई थी सिकंदर जहान बेगम ने सिकंदर जहान बेगम का जो निक नेम था मोती बीवी कहा जाता था इसीलिए उन्होंने जो वो मॉस्क बनाया उस मॉस्क को सिक, आ, मोती मॉस्क मोती महल या मोती मस्जिद कहा गया नेक्स्ट हु बिल्ट द गोहर महल इन भोपाल ऑप्शन शाहजहान बेगम सिकंदर जहान बेगम कुदसिया बेगम एंड अबीदा सुल्तान इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी कुदसिया बेगम क्योंकि कुदसिया बेगम का जो नाम था उनका एक और उनको गोहर बेगम भी कहा जाता था तो इसीलिए ये महल कुदसिया बेगम ने बनवाया था तो उन्हीं के नाम पे इस महल को भी गौहर महल कहा जाता है उदसिया बेगम का जो टाइम था वो एटीन हंड्रेड नाइन्टी अठारह सौ उन्नीस से एटीन थर्टी सेवन तक था भोपाल डायनेस्टी फ़ेमस है बेगमों के रूल के लिए तो ये फ़र्स्ट बेगम थी बेगम थी भोपाल की जिन्होंने रूल किया था और इन्होंने इन्होंने काफ़ी बहुत अच्छे बहुत अच्छे काम भी किए थे जैसे कि सबसे पहले जो इनका काम था इन्होंने पंपिंग स्टेशन बनवाए थे फिर इन्होंने जर्मन इंजीनियर्स हायर किए थे इसमें से जो मेन इंजीनियर थे उनका नाम था डेविड कुक और फिर उन्होंने पंपिंग स्टेशन वाटर लाइन बिछवाई थी इससे ओवर द टाइम एक काफ़ी अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी हो गई थी भोपाल के एरिया में और उससे प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन हु बिल्ड द फ़ेमस मोन्यूमेंट रानी महल एंड चमन महल इन भोपाल ऑप्शन ए सुल्तान मोहम्मद खान दोस्त मोहम्मद खान ऑप्शन सी निज़ाम शाह एंड फोर्थ इज़ यार मोहम्मद खान इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकेंड दोस्त मोहम्मद खान आज हमने कुछ रैंडम क्वेश्चन लिए हैं डायनेस्टी पे बेस्ड अगर आप इस डिफरेंट डायनेस्टी से हैं अगर आप जो चाहते हैं कि हमारे सिलेबस में जो डायनेस्टी मेंशन है उस पर्टिकुलरली हम उस डायनेस्टी को डिस्क्राइब करें तो आप इस चीज़ को कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम पे बता सकते हैं फिर हम उस पर्टिकुलर डायनेस्टी को डिस्कस करेंगे और फिर उन पर बेस्ड हम एम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रजेंट डे ऑफ भोपाल ऑप्शन ए दोस्त मोहम्मद खान ऑप्शन बी रवि शंकर शुक्ला ऑप्शन सी कैलाश नाथ काजू एंड ऑप्शन डी बाबर ये एम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2020 में आया हुआ था प्रलिम्स में इसका जो सही आंसर है वो है दोस्त मोहम्मद खान दोस्त मोहम्मद खान ये एक अफगान कमांडर था जिसने भोपाल डायनेस्टी को मतलब भोपाल रियासत की जो स्थापना करी वो सेवनटीन ट्वेंटी फ़ोर सत्रह सौ चौबीस ए डी में करी तो जब ये इंडिया आए आए थे या तो उस टाइम जो मुग़ल एम्पर थे बहादुर शाह फर्स्ट और इसके अलावा दोस्त मोहम्मद ने फतेहगढ़ का किला बनवाया था और ढाई सीढ़ी की मस्जिद भी बनवाई थी वैसे तो वैसे तो भोपाल रियासत को भोपाल को माना जाता है कि परमारों ने बसाया था राजा भोज ने एट सेंचुरी से थर्टीन सेंचुरी के बीच में और उन्हीं के नाम राजा भोज के नाम पर ही भोपाल का नाम पड़ा और जो आज का भोपाल है प्रेजेंट डे वो दोस्त मोहम्मद खान ने उसको उसकी फाउंडेशन रखी हुई थी और ये हमें आज बहुत अच्छे से वहाँ पे देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ का जो आर्किटेक्ट है वो काइंड ऑफ इंडो इस्लामिक का फ्यूजन है नेक्स्ट क्वेश्चन विच रूलर इज़ एसोसिएटेड विद बटियागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक फ़िरोज शाह तुगलक ऑप्शन सी गया गयासुद्दीन तुगलक एंड ऑप्शन डी ए एंड सी सबसे पहले बटियागढ़ इंस्क्रिप्शन ये कहाँ है ये दमो में है और इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है ये जो बटियागढ़ इंस्क्रिप्शन है ये मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक से तुगलक के बारे में है रिलेट है और यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज करी गई है, करी है इस इंस्क्रिप्शन में वो है पर्शियन इस इंस्क्रिप्शन में बताया लिखा हुआ है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दमो में बटियागढ़ में स्टेप वेल बनाए थे फॉर वाटर कंजर्वेशन और एक उन्होंने बनाया था गार्डन और एक और चीज हमें देखने को मिलती है यहां पे इस इंस्क्रिप्शन में दिल्ली को जोगनीपुर कहा गया है यह भी पूछ सकते हैं प्रिलिम्स में नेक्स्ट क्वेश्चन बाय हुम फॉस द जामा मस्जिद बिल्ट ऑप्शन ए शाहजहान बेगम यार मोहम्मद खान ऑप्शन बी सी दोस्त मोहम्मद खान ऑप्शन डी गोहर बेगम जामा मस्जिद इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ऑप्शन डी है गोहर बेगम गोहम गोहर बेगम का टाइम पीरियड एटीन नाइन्टी टू एटीन थर्टी सेवन अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा तो ये जो जामा मस्जिद बनी थी इसका जो टाइम था एटीन थर्टी टू और इस टाइम ये शुरू हुई थी और इसका जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था एटीन फिफ्टी सेवन में ये जो दिल्ली में जामा मस्जिद है उसी जैसा ही रिजेंबल करती है ये मस्जिद और इसको डिफरेंट नाम से जाना जाता है इसको जामा मस्जिद कहा जाता है जामी मस्जिद भी कहा जाता है और फ्राइडे मॉस्क भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे फ़्राइडे की प्रेयर रीड करी जाती है नमाज़ पढ़ी जाती है इसलिए इस मस्जिद को ये जामी मस्जिद कहा जामा मस्जिद कहा जाता है नेक्स्ट स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ फेमस ताजुल मस्जिद इन भोपाल ऑप्शन रुकैया सुल्तान बेगम ऑप्शन बी आबीदा सुल्तान बेगम ऑप्शन सी शाहजहान बेगम एंड ऑप्शन डी सिकंदर जहान बेगम ताजुल मस्जिद इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है शाहजहान बेगम इन्होंने ताजुल मस्जिद बनाई बनवाई थी 1866 में पर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से ये कंप्लीट नहीं हो पाई थी और फिर बाद में इसका कंस्ट्रक्शन फिर से शुरू किया गया 1971 में और वो जस्ट इट्स अ नाइनटीन लेट मी नाइनटीन सेवेंटी वन और वो चला नाइनटीन एटी फाइव तक नाइनटीन एटी फाइव तक चला और ये एशिया की लार्जेस्ट मॉस्क है नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज़ द मुस्लिम रूलर हु लूटेड द महाकालेश्वर टेम्पल ऑफ उज्जैन ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन बी फिरोज़ शाह तगलक ऑप्शन सी कुतबुद्दीन एबक एंड ऑप्शन डी फिरोज शाह तगलक पर इसका आंसर ये इसमें से कोई साबित नहीं है ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है इसका जो सही आंसर है वो है इलतुतमिश इन्होंने महाकालेश्वर मंदिर को लूटा था बारह में नेक्स्ट क्वेश्चन ये अब ये जो है ये थ्री मार्कर क्वेश्चन है नेम द बॉटम थ्री डिस्ट्रिक्ट हैविंग द लीस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया तीन मार्क में डिस्कस करना है तो ये जो अभी हमारा 2021 में जो फॉरेस्ट uh, सर्वे का जो फॉरेस्ट डेटा था ये एटीन पहली बात तो ये हमारा अठारवा सर्वे था तो उसके अकॉर्डिंग सबसे लीस्ट एरिया कवर जो एमपी में है उज्जैन साजापुर एंड रतलाम ये एरिया वाइज भी है और परसेंटेज के टर्म्स में भी यही है जबकि जो सबसे ज़्यादा एरिया वाइज मध्य प्रदेश में है बालाघाट छिंदवाड़ा एंड बैतूल नेक्स्ट क्वेश्चन दीनदयाल वनांचल योजना सबसे पहले दीनदयाल वनांचल योजना शुरू कब करी गई थी ये स्टार्ट हुई थी बीस 20 अक्टूबर 2016 को इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है स्कीम का कि गवर्नमेंट के जो डिफ़रेंट स्कीम्स हैं प्रोग्राम्स हैं जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट द्वारा लॉन्च किए गए हैं तो वो बेनिफिशियरी तक पहुँचें जैसे कि वो फॉरेस्ट डेलर जो बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में रहते हैं आउटर एरिया में रहते हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में और जिसकी वजह से उनको प्रॉपर बेनिफिट नहीं पहुँच पाता है बेनीफिशरी को तो इसलिए ये स्कीम लॉन्च करी गई है कि गवर्नमेंट की जो डिफ़रेंट स्कीम्स हैं प्रोग्राम्स हैं उनको इनके पास इनको इनके तक पहुँचाया जा सके ये है इसका ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट बलराम ताल स्कीम बलराम था स्कीम जो है ये 2007 हज़ार में लॉन्च करी गई थी इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव वाटर कंजर्वेशन वाटर हार्वेस्टिंग क्योंकि हम जानते हैं मध्य प्रदेश की जो इकनॉमी है वो एग्रेरियन इकनॉमी है और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से वाटर का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो इसलिए इस स्कीम में फार्मर को एनकरेज किया गया है कि उनका जो एग्रीकल्चर लैंड एरिया है उसमें वो छोटे छोटे पॉइंट्स बनाएँ छोटे छोटे तालाब बनाएँ और वाटर को हार्वेस्ट करें इस तरह से वो इस वाटर को ईज़िली इरीगेशन में यूज़ कर पाएंगे और इससे ग्राउंड वाटर भी ईज़िली रिचार्ज होगा तो एरिया में वाटर की प्रॉब्लम नहीं होगी नेक्स्ट जवाहर सागर रिजर्वयर जवाहर सागर रिज़र्वर जो है ये चंबल नदी पे है तो so, ये बना था नाइनटीन सेवेंटी वन में और इसकी जो कैपेसिटी है वो नाइन्टी नाइन मेगावाट से और ये कहाँ है ये सिचुएट करता है कोटा राजस्थान में तो अब आव, अभी थ्री मार्कर में अगर क्वेश्चन पूछा है तो हमें डेफिनेटली एक्सक्यूज़ मी हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा तो ये एमपी है एमपी का डायग्राम यहाँ ये जो चंबल नदी में होता है इंदौर के पास जाना पाव हिल तो ये ऐसे चली जाती है ऊपर की तरफ और ये फाइनली इटावा यमुना में जाके मर्ज हो जाती है अब ये कोटा कहाँ लोकेट करता है यहाँ पे तो हम इस तरह से लोकेट कर सकते हैं कि ये यह यहाँ पे जवाहर सागर रिज़र्वर है इसके अलावा चंबल नदी पे कोटा रिजर्वर भी है तो वो भी कोटा में ही है तो अगर उसका भी पूछेंगे तो वो कोटा पे यहाँ पे कोटा की लोकेशन तो यहाँ पे इजीली मार्क किया जा सकता है नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है राणा प्रताप सागर रिजर्वर तो ये बना था 1964 सिक्सटी फ़ोर में इसकी जो कैपेसिटी है वो वन हंड्रेड uh, वन सेवनटी मेगावाट से और ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है तो यहाँ से ना ट्वेंटी फाइव किलोमीटर मतलब इस डायरेक्शन में वेस्ट की तरफ मूव करेंगे तो इधर चित्तौड़गढ़ लोकेट करता है तो यहाँ पे हम मार्क कर सकते हैं कि ये चित्तौड़गढ़ है अब जो चंबल नदी है ये मतलब थोड़ा हम चंबल नदी के बारे में रिवाइज़ कर लेते हैं चंबल नदी का औरजिन इंदौर के पास से जना हिल से होता है और ये नॉर्थ डायरेक्शन में फ़्लो करती है और उत्तर प्रदेश में इटावा में यमुना में जाके मर्ज हो जाती है इसकी जो टोटल लेंथ है वो नाइन सिक्सटी फाइव है उसमें से एम पी में जो है वो तीन सौ बीस किलोमीटर ये फ्लो करती है और ये किस तरह का ड्रेनेज सिस्टम बनाती है ये बनाती है सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम वो ड्रेनेज सिस्टम होता है कि जो रिवर ओरिजिन करती है फ्लो करती है सॉफ्ट सॉफ्ट एरिया में जहाँ का जो रॉक uh, स्ट्रक्चर है वो सॉफ्ट है और फिर वो जब हार्ड एरिया में मूव करती है तो भी उसका जो डायरेक्शन होता है फ्लो का वो इसी तरह से रहेगा जैसे कि वो चेंज नहीं होगी क्योंकि जब एक पाथ से दूसरे पाथ में नदियाँ जाती हैं तो हमें पता है कि रिवर मियाडर करती हैं बहुत तेज़ी से पर इसका ऐसा नहीं है ये अपने पाथ को ही फॉलो करती है क्योंकि क्यों, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इस तरह की रिवर्स में इरोजन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो जो भी इसके पाथ में अगर हार्ड स्टोन आ रहे हैं हार्ड पत्थर आ रहे हैं रॉक स्ट्रक्चर आ रहे हैं तो वो उसको इतनी तेज़ी से इरोड करेगी और काटेगी और वो अपने ही पाथ को फॉलो करेगी तो इस तरह का जो ड्रेनेज सिस्टम बनाती हैं नदियाँ उसको सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है मध्य प्रदेश में सुपर इम्पोज का जो एग्ज़ाम्पल है वो चंबल नदी है और इंडिया में दामोदर है और सुवर्ण रेखा वो भी इस तरह का ही ड्रेनेज सिस्टम बनाती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमने डिस्कस कर लिया है चरण पादुका स्कीम चरण पादुका स्कीम जो है ये सिंगरौली में सिंगरौली से स्टार्ट की गई थी इसका पर्पस क्या है कि मध्य प्रदेश में तेंदुलीफ सबसे ज़्यादा होती है मध्य प्रदेश जो है वो इंडिया का सिक्सटी परसेंट तेंदुलीफ प्रोड्यूस करता है तो यहाँ पे जो तेंदुलीव प्लकर्स हैं जो इस ऑक्यूपेशन में हैं तो गवर्नमेंट ने उनके लिए ही ये स्कीम बनाई हुई है इसमें इनको फूड वेयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे क्योंकि ये लोग जंगल में जाते हैं पैरों में कुछ पहनते नहीं हैं इसीलिए इनको फुटवेयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे और इतनी गर्मी में काम करते हैं इसलिए इसमें इनको एक थर्मस प्रोवाइड किया जाएगा ठंडे पानी का फ्लास्क जिससे कि ये लोग ईजीली काम कर सकें और वुमेंस को कुछ साड़ी भी प्रोवाइड की जाएगी तो इसका इसमें यह है कि ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करी है ये आ, जो लोग भी इस ऑक्यूपेशन में इंडल्ज हैं उनके लिए तो ये आज का हमारा डिस्कशन था एंड थैंक यू थैंक यू फॉर दिस डिस्कशन